बिहार के युवाओं में जोश है, उत्साह है, 2024 में मैं जीतना और 2025 में मैं सफाया हो जाना बिहार से। ये थके हुए मुख्यमंत्री को माननीय तेजस्वी यादव ने दौड़ाने का काम किया और दौड़ाकर युवाओं को नौकरी देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। इस्लामपुर में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग किस तरह से आ रहे हैं आप देख रहे हैं। चोर जुलूम के टक्कर में लालू राबड़ी जिंदाबाद, 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद, 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर जुलूम के टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। माननीय तेजस्वी यादव के न्याय यात्रा के सारे लोग आए हैं इस्लामपुर प्रखंड से। ये बताइए कि इस्लामपुर प्रखंड में आप लोग इस बड़ी संख्या में जा रहे हैं, क्या जताना चाहते हैं आप लोग? हम लोग जताना चाहते हैं नौजवानों का रोजगार होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा से हटाना चाहते हैं। देखिए इसमें सारे लोग युवा हैं, जो बेरोजगार है, महंगाई है, उस पर जो इस बिहार के अंदर जो बेरोजगारी था वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसको दूर करने का काम किया था। जो तेजस्वी यादव ने पढ़ लिया था उसने अपने 17 महीने के अंदर उन्होंने बेरोजगारी दूर करने का जो काम किया है उसको, इसमें युवाओं में उत्साह है, युवा में जोश है, यहाँ के जो बेरोजगार थे उसमें जोश है। ये बताइए, बीजेपी जेडीयू के लोग कहते हैं कि लुटेरों की पार्टी आ रही है। बीजेपी तो खुद लुटेरा का पार्टी है। जो बीजेपी में जाते हैं, जो साध हो जाते हैं, जो संघर्ष करता है, जो चोर नहीं है, जो बाहर है और जो चोर है, बीजेपी के अंदर जाता है तो वॉशिंग मशीन में धोवा के साफ हो जाते हैं। आप देख लीजिए हेमंत बिश्व शर्मा को, आप देख लीजिए मुकुल राय को, देख लीजिए अजीत पवार को, जिन्होंने अजीत पवार को कहा गया था कि कुछ दिन में चटिल पिसिल पिसिल भ्रष्टाचार का आरोप था, जब बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। बिहार के युवा तेजस्वी यादव के साथ, बिहार के युवाओं में जोश है, उत्साह है, 2024 में मैं जीतना और 2025 में मैं सफाया हो जाना बिहार से। नीतीश जी कहते हैं कि एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिलेगी, उनके दया से हम लोग नहीं है। 2020 में उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया जा रहा था। हम महागठबंधन के लोग यहाँ 2020 में सबसे बड़े पार्टी बना था, चोर दरवाजा से लोग सरकार बनाने का काम किया था। नीतीश कुमार के 2020 में मालूम हुआ था कि कौन सीट जीते रहा नहीं जीते रहा। आप लोग 17 साल बनाम 17 महीने कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि सब कुछ हम किए हैं, वो कुछ नहीं किया, वो गड़बड़ कर रहा था इसलिए सत्रह महीना में 17 साल में क्या हुआ था? जब नीतीश जी किए थे तो आप धर्म ईमान से दिल पर हाथ धर के बोलिए कि किसका पर्ल था कि हम बेरोजगार को 10 लाख नौकरी दे दें। 17 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया? एक थके हुए मुख्यमंत्री को माननीय तेजस्वी यादव ने दौड़ाने का काम किया और दौड़ाकर युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। बिहार की जनता, बिहार के युवा, सभी वर्ग के लोग तेजस्वी यादव को, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को माई की पार्टी कही जाती थी, लेकिन यह माई की पार्टी नहीं, माई के पार्टी के साथ साथ बाप के भी पार्टी है। और सारे लोग, हम लोग बिहार में रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, हम लोग सारे युवा, जितना दलित हो, अति पिछड़ा हो, अगरा जाति के लोग हो, सब एक मुस्त होकर तेजस्वी यादव को यहाँ से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने वाले कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। मोटरसाइकिलों का रेला लगा हुआ है, गाड़ियों का रेला लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी गाड़ियों का काफिला है जो इस जनसभा में, जन विश्वास यात्रा में जा रहा है।
यादव की जन विश्वास यात्रा में बड़े पैमाने पर लोग जो है उमड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियों पर सवार होकर इसके अलावा पैदल चलकर लोग जन विश्वास यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो ये क्रेज है, आप देख सकते हैं लोगों को, तमाम जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं जो इस काफिले में शामिल हुए। हमने इनके नेताओं से भी बात की, उनका कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इसीलिए हम लोग जन विश्वास यात्रा में शामिल होने पहुँचे हैं।